लीनियर मॉडलिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स। इस मॉड्यूल में हम फिजियोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स की लीनियर मॉडलिंग अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, जिसमें से लीनियर मॉडलिंग स्पेसिफिक अप्रोचेस है। मॉडल्स जो है या सिस्टम जो है वो चूंकि लीनियर, नॉन लीनियर, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, तो इसमें से हम एक लीनियर मॉडलिंग अप्रोचेस को इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। लीनियर सिस्टम्स जो है वो दे आर वेरी पॉपुलर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स अमंग द फिजियोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स, एंड दे आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर सिंपल नेचर टू इम्प्लीमेंट। कंपेरेटिवली दे आर सिंपलर टू इम्प्लीमेंट एज कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स, सो दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी पॉपुलर अमंग द मॉडलिंग डोमेन। अब जो लीनियर मॉडल्स है, इसके दो वेरिएंट्स हो सकते हैं। एक वेरिएंट जो टाइम वेरिएंट हो सकता है, और दूसरा जो टाइम इनवेरिएंट हो। टाइम वेरिएंट वो स्पेसिफिक टाइप हो सकता है कि जिसमें फॉर एग्जांपल इफ़ द ऑपरेशन दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द आउटपुट वेरीज विद रेफरेंस टू टाइम, देन दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस विल बी टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट्स या टाइम वेरिंग कहलाएंगे। और दूसरे वो होंगे कि अगर इफ़ द ऑपरेशन दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू द आउटपुट दैट रिमेंस कांस्टेंट एंड डजंट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दे विल बी कॉल्ड एज टाइम इनवेरिएंट। सो इसके ये दो डिफरेंट टाइप्स के अप्रोचेज, सब अप्रोचेज होंगे, टाइम वेरिंग और टाइम वेरिएंट अप्रोचेज लीनियर सिस्टम्स के पॉसिबल है। देर आर टू मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। अगर हम पहले टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को लेते हैं, तो उसके दो मेजर एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं ऑफ इनवेरिएंट सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनालिटिकल टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। एक एट्रीब्यूट ये हो सकता है कि इफ़ द रिस्पॉन्स ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोगों ने ज़्यादा गौर से इसको समझना है। हम आगे स्लाइड पे देखेंगे कि व्हाट इज़ सुपरपोजिशन एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड व्हाट डज इट स्टेट्स। और दूसरा जो इसका एट्रीब्यूट हो सकता है, इफ़ द रिस्पॉन्सेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कन्वोल्यूशन ऑफ द इनपुट, कि अगर रिस्पॉन्सेज जो है उसको हम कन्वोल्यूशन ऑफ द इनपुट में एक्सप्रेस कर सके, तो एक दूसरा एट्रीब्यूट हो सकता है। सो कन्वोल्यूशन का एक टर्मिनोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस कराई और एक सुपरपोजिशन की इंट्रोड्यूस कराई। इनको हम बाद में आने वाले मॉड्यूल्स में या कमिंग स्लाइड्स पे हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बट मेजर हमारा फोकस होगा कि अपने टॉपिक पे ही रहे। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट, अब इसको हमने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि ये जितना भी मॉड्यूल होगा या जो भी ये अप्रोच है, ये सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है। तो पहले हमने सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को समझना है कि ये क्या कह रहा है और इसकी क्या मतलब है, और जब हम मॉडलिंग करेंगे और इसका फिर ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हमने बड़े गौर से और डिटेल से समझना है, वर्ड बाय वर्ड समझना है। तो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट इफ द सिस्टम हैज एन इनपुट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एस अ सम ऑफ द इंडिविजुअल सिग्नल्स। फॉर एग्जाम्पल सिग्नल आ रहे हैं, उन सारे सिग्नल्स को सम अप करके अगर हम उस सिस्टम के इनपुट को उन सारे सिग्नल्स के सम अप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक्सप्रेस किया जा सके, तो देन द आउटपुट ऑफ या द रिस्पॉन्स ऑफ दैट सिस्टम कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द सेम सम ऑफ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज। जो आउटपुट होगा उसको भी हम उसी रिस्पॉन्सेज की इंडिविजुअल्स की सम अप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली इट मेक्स द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल बेसिकली यही कह रहा है कि अगर ऐसे सिनेरियो होगा तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, और फिर सुपरपोजिशन के बेस पे आगे मॉडलिंग को आगे लेके जाना पड़ेगा। इससे वेरी भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स होते हैं वो सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे होते हैं। सुपरपोजिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एस फॉलोज, जिस तरह का इक्वेशन है, इक्वेशन को हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें सुपरपोजिशन को एक्सप्रेस किया गया है।
Mathematically, it can be expressed as f into a1x plus a2x. इसको जरा हम rearrange भी कर सकते हैं कि f of a1 into x1 plus a2 into x2. इसको हम rearrange कर ले, a1 को इसके साथ कर सकते हैं और इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं इन दोनों वैल्यूज को, और f को इन दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन बन जाएगा a1 of f into x1 plus a2 of f into x2. यहाँ पे जो x1 और x2 है, they are basically the two inputs into this system, where f of x1 and f of x2 are the two respective outputs of this system. F a1 or a2 जो है, they are two scalars in this system. Superposition को हम only and only तब apply कर सकते हैं if the system is linear. अगर system linear नहीं होगा तो फिर superposition को हम apply नहीं कर सकते. ये भी हमने ख्याल रखना पड़ेगा कि सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है. सो इट कैन बी ओनली अप्लाइड इफ द सिस्टम इज लीनियर. अंडर द सेम टेस्ट कंडीशंस अ सिस्टम इज अ टाइम इनवेरिएंट विल रिस्पॉन्ड आइडेंटिकली टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर द टाइम शिफ्ट बिटवीन रिस्पॉन्सेज. ऑल रिस्पॉन्सेज आर आइडेंटिकल. अगर सारे रिस्पॉन्सेज आइडेंटिकल है तो तभी ये जो जो कंसेप्ट है ये अप्लाई हो सकता है. अगर सारे रिस्पॉन्सेज आइडेंटिकल नहीं होंगे तो फिर ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फिर हम उसको सम अप नहीं कर सकेंगे किसी एक सम ऑफ वैल्यू में. सो दैट्स व्हाई ये ज़रूरी है कि सारे रिस्पॉन्सेज जो है वो आइडेंटिकल हो. जो टाइम इनवेरियंस है दैट कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एस, जो अभी हमने बात डिस्कस की, वाई इंटू टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू टी. और ये अगेन इट विल गिव राइज टू वाई इंटू टी माइनस कैपिटल टी और टा. एंड अगर इन सारों को सम अप किया जाए तो इक्वेशन विल बिकम एफ ऑफ एक्स इंटू टी माइनस कैपिटल टी और टा. यहाँ पे टी जो है या टा जो है, दिस इज बेसिकली अ टाइम कॉन्स्टेंट. इट इज रिप्रेजेंटिंग अ टाइम कॉन्स्टेंट. A system that satisfies both of these properties is naturally called a linear time invariant or LTI system. जो ये दोनों condition specify कर रहा हो तो उस system को हम linear time invariant या LTI system कहते हैं. बहुत सारे systems जो है वो behave linearly over some restricted range of inputs. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ और कंडीशन यूज़ किए जाए तो फिर सेम सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर बिहेव करेगा. सो दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम बिहेव लीनियरली ओवर सम रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इनपुट्स. ऑलमोस्ट एनी सिस्टम विल बिकम नॉन लीनियर इफ द इनपुट इज टू मच लार्ज. अगर इनपुट बहुत बड़ा होगा तो जो लीनियर भी सिस्टम होगा वो भी नॉन लीनियर बन जाएगा. या इसका बिल्कुल इनवर्स भी हो सकता है कि अगर इफ द मैग्नीट्यूड of the input is too much low, तो फिर जो होगा वो non-linear system को भी हम linear system के language में या linearity के basis पे हम उसको describe कर सकते हैं. तो जो system का behavior है वो भी define करेगा कि system जो है it will behave either linear or non-linear, या time varying होगा या time invariant होगा, वो उसके बिहेवियर पे भी डिपेंड कर रहा होगा और इनपुट की मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा होगा. तो हमने उन कम्प्लेक्सिटीज़ का भी ख्याल रखना है मॉडलिंग के दौरान कि इनपुट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉलर है या वेरी वेरी बिगर है, तो फिर उसी तरह की मॉडलिंग अप्रोचेज हमने यूज़ करने होंगे.